मध्य प्रदेश के देवास शहर के जवाहर चौक पर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता शनिवार को आमने सामने हो गए। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। राफेल डील मामले में देश को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे थे। इस दौरान हाथों में लाठी डंडे लेकर कांग्रेसियों ने भाजपाइयों के पीछे दौड़ लगा दी। दोनों के बीच में जमकर हाथापाई हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। भाजपा के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। भाजपाइयों को धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेसियों पर फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं की गई है। भाजपा ने कांग्रेसियों पर सरेआम गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा कि जब धारा 144 लगी हुई है तो भाजपा प्रदर्शन कैसे कर सकती है, उनके पास कोई परमिशन है क्या। इस पूरे घटनाक्रम में देखने वाली बात यही रही कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ में लाठी डंडे देखे गए। दोनों पार्टियों का बीच बचाव करने में देवास पुलिस काफी मुशक्कत करती रही। वहीं पूरे मामले को लेकर कांग्रेस शहर अध्यक्ष मनोज राजानी ने लाठी डंडे वाली बात को सिरे से नकारते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप जड़ दिया और कहा भाजपा कार्यकर्ताओं ने धारा 144 का उल्लंघन किया है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में हमारे ऊपर लाठी डंडों से हमला किया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो। कांग्रेसियों ने आज हमला करा प्रशासन की उपस्थिति में। प्रशासन हमको धक्के मार के राजी चार्ज कर रहा है, लेकिन इन कांग्रेसियों को कुछ नहीं बोला। प्रशासन ने पूरी तरह कांग्रेसियों का साथ दिया और हम मांग करते हैं कि प्रशासन को निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए। कांग्रेसों ने खुला आम गुंडागिरी की है देवास। किस तरह का आंदोलन, क्या कह रहे हैं आप? हमने शांतिपूर्ण तरीके से आह्वान किया था कि हम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने का आह्वान करेंगे। कांग्रेस कार्यालय पे हम कोई विरोध प्रदर्शन करने, उग्र विरोध प्रदर्शन करने नहीं आए थे, लेकिन आज यहाँ पर जिस प्रकार कांग्रेस ने लकड़ियों के साथ प्रशासन की उपस्थिति में प्रदर्शन किया है, ये निश्चित रूप से इस प्रशासन की नाकामी है। इस प्रशासन के सामने, इसके अधिकारियों के सामने उस कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने की कोशिश की है। निश्चित रूप से यह पूरी तरह से प्रशासन कांग्रेस के इशारों पर पंगु बना हुआ है। उनके नगर अध्यक्ष साथ चल रहे थे, पूरी कांग्रेस की टोली लकड़ियां हाथ में लेकर चल रही थी। आपने क्या गुंडागर्दी का आरोप लगाया? आपने गुंडागर्दी कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सीना ठोक के खड़ा था, अभी भी यहाँ से हमने वापस भगाया उनको, उनकी ताकत हम पे हाथ लगा दिखा दे, लेकिन पूरे प्रशासन की मौजूदगी में ये गुंडागर्दी हुई है और मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। प्रशासन इसके लिए निश्चित रूप से दोषी है। भैया, पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ, इस चीज को मानते हैं? उसके बाद भी क्या मानते हैं इसको? पुलिस ने सिर्फ लाठीचार्ज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे किया है। जो नियत्ता थे, हम शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे थे, राहुल गांधी माफी मांगो। देश को जो गुमराह करने का काम उन्होंने राफेल डील के मामले में किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें संज्ञान लेते हुए उनको अवमानना के लिए माफी मांगने को कहा है। जब कोर्ट के सामने उन्होंने माफीनामा लिखा है, तो हमने मांग की कि देश की जनता से वो माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जिले का पूर्व महामंत्री। पार्टी के लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन का कहना है कि उनके पास अनुमति नहीं थी। वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने जो है कांग्रेसियों का साथ दिया, हम निहत्य थे और ये लठ लेके दौड़े, क्या कहना? लठनी हाथ में आपके सामने अध्यक्ष नेता खड़ा है। अरे तारे, ऐसी बात आधे घंटे पहले व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे, एक दिन पहले खबर करके देखे और अभी भी देख ले क्या हालत कर रखी है। 50 आदमी नहीं है यहाँ, 500 आदमी खड़े हैं कांग्रेस के। इस तरह का विरोध प्रदर्शन होता है क्या? और किससे, किसके हाथ में, किससे साथ दिया हमारा? 144 धारा लगी हुई है देवास, उनके पास परमिशन है क्या? हम तो हमारे कार्यालय में खड़े हुए हैं, कांग्रेस कार्यालय जवाहर चौक में है, क्या हम हमारे दफ्तर में खड़े नहीं हो सकते? ये तो पूरे शहर में प्रदर्शन करते आते हैं। कौन थे फिर बीजेपी के पीछे जो लठ लेके दौड़े थे, वो कौन थे? बीजेपी के पीछे लठ लेके कौन दौड़ा है, हमें तो पता ही नहीं, आप बता रहे हो, कोई लठ लेके नहीं दौड़ा है। अच्छा, उनका एक आरोप वो लगाया प्रशासन ने पूरा साथ दिया कांग्रेस का, ये तो हमेशा ही कहते आए, इनकी क्या हालत है तुम देख रहे हो? मारे मारे बाद में प्रशासन साथ दे रहा है, प्रशासन साथ दे रहा है। अरे कानून का तुम उल्लंघन करोगे तो गिरफ्तार तुम ही होगे, कांग्रेस के थोड़ी होंगे। एक अंतिम सवाल है कि आप लोगों को किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई थी? कोई सूचना नहीं दी गई थी? कोई सूचना नहीं है किसी प्रकार की कुछ भी। ठीक है, JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।